अडवाणी ग्रुप पर हैंडबैन की रिपोर्ट को लेकर गुरुवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ। पूरे विपक्ष ने अडवाणी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच संसदीय पैनल यानी जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कराने की मांग की है। इस मुद्दे पर हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होती जा रही है। कल तक के लिए स्थगित ये कार्रवाई कर दी गई है। इधर आरबीआई ने सभी बैंकों से अडवाणी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के लिए कर्ज की जानकारी मांगी है। वहीं शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप के शेयर्स में 10% तक की गिरावट देखी गई है। हम सभी ने यह किया कि सदन में एक वॉइस में एक होकर जो आज करोड़ों लोगों का पैसा एलआईसी में है, ये इसको बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है और सभी लोग करोड़ों लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, पॉलिसी देते हैं, बच्चों के पढ़ाई के साथ वो लाइफ इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं। तो ऐसे करोड़ों लोगों से संबंधित इंस्टीट्यूशन और पैसा आज बर्बाद हो गया। और दूसरी तरफ जो बैंक है और दूसरे दूसरे नेशनलाइज बैंक हो, उसमें भी गरीब लोग अपना पैसा